दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर फोन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। एक्टिविटी में मन कैसे लगाएं? अगर वहां रुचि ही नहीं है तो किसी भी एक्टिविटी में या काम में मन कैसे लगाएं जब हमारी रुचि ही नहीं है उस काम में, ये प्रश्न है। रश्मि जी, वुड यू लाइक टू टेक इट? सो हाँ, प्लीज गो अहेड। आई थॉट यू वर गोइंग टू से अनम्यूट। मुझे तो एक बहुत आसान सा रास्ता पता है जो परम पूज्य गुरुदेव ने भी बताया है। क्या कि तीन चीजें होती हैं। अगर हमारा मन रुचि किसी में नहीं भी है तो वो करना है तो उसके लिए तीन बातें हमें इसके लिए तैयार कर देती हैं। पहला क्या है? लव, प्यार। बहुत गर्मी है आजकल और कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फ्रेंड ने बुलाया, उसके साथ तो बहुत प्यार है, तो आप क्या करते हो? भाग जाते हो ना गर्मी में भी। वैसे घर से निकलने का मन नहीं है, उसमें जाने की आपकी रुचि भी नहीं है, लेकिन प्यार ने आपको उसके घर पहुंचा ही दिया। दूसरा क्या है? ग्रीड। ग्रीड किस तरह से? एक पुस्तक थी, एक छोटी पुस्तक मेरे को भेंट की किसी ने, मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं था, छोटी थी मैं तब, तो अचानक पता चला कि ये जो पुस्तक है इसमें से 3 दिन के बाद क्विज होने वाला है और उसमें साइकिल प्राइज में मिलने वाली है जी। सब रुचि रुचि सब भाग गई, एकदम से मन वहां पे आ गया। रुचि नहीं थी लेकिन मैंने वो पुस्तक पढ़ी क्योंकि मेरा मन उस लालच पे टिक गया कि इसके बाद मुझे साइकिल मिल सकता है। और तीसरा है फियर। वो तो आप सब अपने घर में देखते हो, काम करने को मन नहीं है, बॉटल्स पड़ी हुई है भरनी नहीं, लेकिन जो ही मम्मी ने कहा अभी आवाज लगाती हूँ पापा को, भागे और बॉटल्स भरने लगे। तो रुचि नहीं होने पे भी तब आपने वो, आपके मन ने वो किया, यानी लव, फियर और ग्रीड, ये तीनों हमें वो काम भी करवा देते हैं जिस काम में हमारी रुचि नहीं होती। और वंदना जी, एक बार याद है हम लोग बच्चों से इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, आई थिंक आप वो यहाँ भी बताओ। गुरुकुल। हाँ, मन को रुचि नहीं है लेकिन क्या है, कभी एक बड़ा पर्पस सामने दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वो होने से मैं कर सकता हूँ। सो हैविंग अ बिगर पर्पस। अब हम लोग ना कल परसों ही बात कर रहे थे तो इसलिए रश्मि जी ने इस बारे में बात करी कि पुराने जमाने में जैसे गुरुकुल में बच्चे जाते थे पढ़ने, और गुरुकुल में क्या था कि गुरु के सुपुर्द ही कर देते थे बच्चों को, सारा उनका सुख दुख सुबह शाम सब कुछ उनके साथ हुआ करता था। और उस सारे से जब वो निकलते थे सारी स्किल्स को ग्रहण करके, सारी विद्या को ग्रहण करके, तो केवल वो स्किल्स और विद्या नहीं होती थी, उनके अंदर जीवन का किसी भी उतार चढ़ाव को पकड़ पाने की, उसके द्वारा होके गुजरने की एक बहुत शक्ति मिल जाती थी। क्यों? तो उन सारों ने क्या फॉरगो किया कि अपना जाके एक कठिन परिस्थिति में रहना। लेकिन हमारी रुचि नहीं होती का मतलब क्या है? हमारा मन नहीं करता, हमें लगता है कि ये पता नहीं बहुत डिफिकल्ट है, या यहाँ तो मेरा मन नहीं करता है तो क्यों करना है। लेकिन जब हमारा बड़ा पर्पस लाइफ का समझ में आ जाता है, क्या है कि आई हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर। अगेन इट कम्स टू डॉक्टर किरण बेदी, आई डोंट नो व्हेदर यू नो इट नॉट, यू वर वन ऑफ माय आइडल व्हेन आई वाज इन स्कूल।
And I also actually aspire to be a police woman. But समय के साथ जो भी चीजें बदलती गई, पर वो एस्पिरेशन आज मुझे जहां लेकर आई है, that is no less also in life. And I really feel कि इस तरह के आइडियल्स अगर हम देखें तो एक बड़ा पर्पस ही अपने सामने बन जाता है, जैसा बनना है मुझे, क्योंकि वो इतना कुछ अचीव कर सके, उनके होने से इस जीवन में कितने लोगों का कितना फर्क पड़ा. When that also comes in your mind, तो आपकी रुचि पीछे रह जाती है, आपका मन पीछे रह जाता है और आप बड़ी छलांग लगा सकते हो. तो बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? ये मन वन तो छोटी छोटी बातें रह जाती है, रुचि छोटी बात रह जाती है. अपने से ऊपर उठना है, अपने से अपने आप को बुलंद करना है, ताकि जब हम यहाँ इस जीवन में आए हैं तो हम कुछ बड़ा ही करके चले यहां से. What do you all say? सही है कि नहीं है? Yes. तो आज जब यहां से हम निकलेंगे तो ये मन को पक्का करके चलेंगे कि मेरा मन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वही बलशाली है, और इसकी मैंने प्रैक्टिस करनी है. ये छोटी छोटी चीजों में मैंने अटकना नहीं है, कहीं फंसना नहीं है, और मैं इसके काबिल हूं, और मैं इसके काबिल हूं, और मैं इससे बाहर निकल चुका हूं, निकल सकता भी नहीं हूं, निकल चुका हूं. राइट? वंडरफुल. आई थिंक द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जिम्मेदारियां लेना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी टूवर्ड्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग. एक सेल्फिश एटीट्यूड ना होना बहुत जरूरी है. उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जिम्मेवारियां हर उम्र में होती हैं, अलग अलग पर हर उम्र में होती है. उम्र से ये प्रश्न आ रहा है कि बच्चों के साथ खेलकर मन इतना खुश क्यों होता है. तो दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इस वीडियो की अपडेट मिल सके. थैंक यू दोस्तों. युगों युगों की वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है. युगों युगों की वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है.